हेलो फ्रेंड्स, मैं गंगा सिंह। सिविल सेवा परीक्षा 2016 में मेरी 33वीं रैंक आई है। हिंदी माध्यम में मुझे दूसरा सर्वोच्च स्थान मिला है। निबंध के बारे में भी मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेरी के रूप में पूछा है कि निबंध की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ही जटिल सवाल है और इसकी कोई बुक आती नहीं है, गाइड नहीं है। तो मुझे लगता है कि निबंध की मैंने कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी। जो जीएस में पढ़ा था हम लोगों ने, उसी का निचोड़ निबंध में प्रस्तुत किया जाता है। जीएस के सारे सेगमेंट्स का, सारे डायमेंशंस का जो नॉलेज है, हम वो निबंध में बहुत ही सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैंने निबंध की कोई खास प्रिपरेशन नहीं की। हाँ, 6-7 टेस्ट पेपर्स मैंने सॉल्व किए और जेएनयू में अपने सीनियर से चेक करवाए, और उन्होंने जो जो सलाह दी कि आप ये करें, इस डायमेंशन को कवर करें। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक, ऐतिहासिक, इन डायमेंशंस को कवर कर लेते हैं, लेकिन जो कल्चर है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और जो एथिकल डायमेंशन है, उसको कवर नहीं कर पाते। तो निबंध में कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने टॉपिक के इर्द गिर्द जितने आयामों को छू पाते हैं, तो उतना बेहतर होगा। मेरे निबंध का टॉपिक जो मैंने चुना था, वो ये था कि अगर महिला एवं पुरुष के समान सरोकारों को नहीं लिया गया, तो जो विकास होगा वो संकटग्रस्त होगा। इफ़ डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड देन इट्स एंडेंजर्ड। तो फिर मैंने अपने इस निबंध की शुरुआत बहुत ही शॉर्ट पोइम से की थी, जो कि स्वरचित थी। मैंने निबंध की शुरुआत ऐसे की थी कि बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियाँ, बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियाँ, ओलंपिक में भेजे जाते हैं बेटे, लेकिन पदक लाती हैं बेटियाँ। क्योंकि उस दौरान ओलंपिक खेल जस्ट हुए थे या न्यूज़ में थे, और जो पदक भारत में दो महिलाएं लाई थी, वो पुरुषों से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। तो वो एक प्रकार से जो हमारा विकास जो संकटग्रस्त हुआ, उसी का एग्जाम्पल था। तो मैंने इस शॉर्ट पोइम से निबंध की शुरुआत की और इतिहास से लेकर जितने भी एग्जाम्पल्स थे उनको पुट किया, और एक एक करके सारे डायमेंशंस को मैं कवर करता गया। मैंने धार्मिक डायमेंशन भी बताया, क्योंकि उस दौरान चल रहा था कि महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हम न्यूज़पेपर्स में डेली पढ़ रहे थे कि महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, केरला में ऐसा हुआ, राजस्थान के किसी मंदिर में ऐसी दुर्घटना हुई। तो इससे पता चलता है कि हमारे समाज की मानसिकता क्या है। आज भी पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएँ कौन कौन सी समस्याएँ फेस कर रही है। उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप सारे डायमेंशंस को कवर करें। समाज में भी जैसा चल रहा है कि आज भी बाल विवाह, विधवा समस्या और जो भी समस्याएं हैं, महिलाओं से कितना लिंक करते हैं। आर्थिक धरातल पर भी देखें कि आज भी संपत्ति में महिलाओं को अधिकार कितना है। आज भी हम घरों में देखते हैं कि जो निर्णय के जो शक्तियाँ हैं, जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर्स है, वो पुरुषों के पास है। और राजनीति में भी देखते हैं कि अराउंड 10% रिप्रेजेंटेशन ही है महिलाओं का संसद में या राज्य विधानसभाओं में। तो इन एग्जाम्पल्स को आप प्रत्येक डायमेंशन को खोलते हुए जब पुट करते हैं और अपनी बातों की पुष्टि करते हैं, तो आपका निबंध समर्थ होता है। तो मैंने कोशिश यही की कि सारे डायमेंशंस को टच किया, एथिकल डायमेंशन भी टच किया, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स लिखे, कल्चर से जुड़े हुए कुछ कुछ एस्पेक्ट्स लिखे, और इतिहास से लेते हुए भारत और विश्व के बहुत से एग्जाम्पल से अपने निबंध को पुष्ट किया। और जो दूसरा निबंध था मैंने वो लिखा था, उसका टॉपिक था साइबर स्पेस एंड इंटरनेट। साइबर स्पेस या इंटरनेट मानव सभ्यता के लिए किस प्रकार वरदान हो सकता है या किस प्रकार अभिशाप हो सकता है। तो मेरा मोटा मोटा जो कंक्लूजन था निबंध का, वो यही था कि साइबर स्पेस और इंटरनेट ये क्या है, विज्ञान की एक शक्ति है। तो मैंने निबंध को कंक्लूड इसी आधार पर किया था कि कला का कोई चमत्कार हो या विज्ञान की कोई शक्ति, ये अपने आप में न तो अभिशाप है न ही वरदान। मनुष्य का विवेक निर्धारित करता है कि वो उसे अभिशाप के रूप में देखता है या वरदान के रूप में देखता है। तो मैंने इसी थीम को पकड़ा और निबंध के जितने भी डायमेंशंस होते हैं उनको कवर किया, और अपने एग्जाम्पल्स जितने भी आप दे सकते हैं निबंध में, उसका आपको सीधा सीधा फायदा होता है। जैसा कि मैं उस दौरान न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि चाइना में वीडियो गेम के जो एडिक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैंप चल रहा है, क्योंकि उन कैंप में ये कोशिश की जाती है कि उनको वीडियो गेम और सोशल मीडिया के जो उनका एडिक्शन है, उनसे दूर किया जाए। तो ये एक प्रकार से मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है, जो कि चाइना में अभी दिख रहा है।
तो उन्हीं एग्जाम्पल्स ऐसे मैंने 3-4 और एग्जाम्पल्स भी दिए, जैसे परमाणु बम है या फिर परमाणु ऊर्जा है। ये अपने आप में न तो चमत्कार है न अभिशाप है, लेकिन मनुष्य ने ये निर्धारित कर दिया कि वो उसे किस रूप में देख रहा है। तो कोशिश निबंध में मोटे मोटे तौर पर यही कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी भाषा पर पकड़ बनाएं, क्योंकि निबंध के जो दो तीन लाइन का जो सिलेबस है उसमें यही लिखा है कि आप टॉपिक के इर्द गिर्द लिखें, जितने भी आयामों को आप टच कर सकते हैं करें, और अच्छी लिखावट में और भाषा पर पकड़ बनाएं। क्योंकि भाषा पर जो आपकी पकड़ है, जिस भी मीडियम में आप लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या किसी अन्य भारतीय भाषा के मीडियम, उस भाषा के अच्छे से शब्दों का चयन करें, बहुत ही छोटे छोटे पैराग्राफ में छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, जटिल वाक्यों से बचें। निबंध में यही कोशिश की जानी चाहिए। और एक मोटे तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि निबंध के लिए आप एक अलग से डायरी तैयार कर लें, क्योंकि जो प्रेरक प्रसंग है, कोई कॉटेशन है महापुरुष का, या फिर शॉर्ट पोइम है, कोई शॉर्ट स्टोरी है, या कोई रिसेंट का एग्जाम्पल है, उन इन सारी बातों को आप एक डायरी में नोट कर लें। मैंने भी एक डायरी तैयार की थी, उसमें कोई तकरीबन 200-250 ऐसी विशेष बातें लिखी थी, और उनको फिर अलग से ऑपरेशनलाइज कर दिया था मैंने सेगमेंट वाइज। जैसे एजुकेशन में मैं ये लिखूँगा, महिलाओं पे बात आई तो मैं ये लिखूँगा। तो उन 200-250 में से आपके 7-8 जो बातें हैं वो आप अपने निबंध में एग्जाम्पल के रूप में पुट कर पाते हैं, और इनका आपको निबंध के अंकों में विशेष रूप से फ़ायदा मिलता है। पिछले साल मैंने ये गलती की थी, मेरे निबंध में 120 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मुझे असफलता मिली थी। इस साल मेरे निबंध में 157 मार्क्स है, जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं, और उनकी वजह यही है कि मैंने 7-8 6-7 पेपर लिख लिए, और कोटेशंस, प्रेरक प्रसंग, शॉर्ट पोएम, शॉर्ट स्टोरी से अपने निबंध को थोड़ा सा समृद्ध बनाया। तो निबंध के लिए कोई खास स्ट्रेटेजी की आवश्यकता नहीं है, जीएस में जो आप पढ़ते हैं बस उसी को निचोड़ के रूप में निबंध में प्रस्तुत करना है। हाँ, जो ग्राफिक्स की बात है, जो प्रेजेंटेशन की तकनीक है, उनका विशेष रूप से आप इस्तेमाल करें कि पैराग्राफ छोटे छोटे बनाएं, बड़ा लंबा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। लंबा पैराग्राफ होता है तो जो एग्जामिनर है वो मोनोटोनस हो जाते हैं कि क्या है, एक ही तरह की बातें लिखी जा रही हैं। और एग्जाम्पल्स दें, जितने ज़्यादा हो उतने एग्जाम्पल्स दें, और कोई विशेष बात हो उसे रेखांकित कर लें या फिर ब्लैक पेन से लिख लें। तो इन सभी बातों का अगर आप यूज़ करेंगे अपने निबंध में तो आपको विशेष रूप से फ़ायदा होगा। और साथियों, अगर आपको इस YouTube चैनल डेली नॉलेज ट्रैक से फ़ायदा मिलता है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं, ताकि अगले वीडियोज़ में हम उन कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।